कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन के थ्रू एक चेयरमैन सिलेक्ट किया जाता है जो इस सोसाइटी की सारी मैनेजमेंट और बाकी सारे मामलों को हैंडल करता है। सोसाइटी में आपको पानी, सीवरेज और बिजली की सहूलियात मिलती हैं, लेकिन कई ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक इख्तलाफात चल रहे हैं और बिजली अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँची। सोसाइटी में अगर अच्छी और बुरी चीज़ों का तज़करा किया जाए तो इस सोसाइटी के अंदर रोड्स बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं। ये सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड नहीं है और यहाँ पे कई ब्लॉक्स में इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं और सिक्योरिटी का भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। सोसाइटी में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है जिसकी वजह से अंधेरा होते ही यहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल पैदा हो जाती है। सोसाइटी के बिल्कुल सामने आपको हडियारा ड्रेन मिलती है जिसकी वजह से लोगों को इसकी काफ़ी स्मेल भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। अगर इसकी अच्छी चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पे प्लॉट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। 5 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 12 से 16 लाख के दरमियान मिल जाता है। 10 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 22 से 25 लाख का मिल जाता है और 1 कनाल का प्लाट आपको तकरीबन 40 से 45 लाख का मिल जाता है। इस सोसाइटी की बैक साइड पे फेज 9 आ चुका है जिसकी वजह से ये भी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में प्राइजेस काफ़ी ऊपर भी जा सकती हैं। उसके अलावा ये रिंग रोड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर है जिसकी वजह से आपको ये सोसाइटी एक्सेस करने में बड़ी आसानी होती है और इसके ऑपोजिट फेज 10 आ चुका है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इसकी वर्थ और भी ज़्यादा हो सकती है। इस सोसाइटी को थोड़ी सी मेंटेनेंस और अटेंशन की ज़रूरत है। अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो यहाँ की मैनेजमेंट इसके लुक को काफ़ी अच्छा कर सकती है और लोग यहाँ पे प्लॉट्स लेने के लिए एग्री भी हो सकते हैं। सोसाइटी में मुझे बहुत कम कंस्ट्रक्शन देखने को मिली जिसकी एक वजह यहाँ के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोसाइटी कल को मुनाफा बख्श भी साबित हो सकती है।